हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस लेक्चर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑन द चैप्टर नंबर 3, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर सम पॉइंट्स फॉर दिस चैप्टर। तो क्या क्या देखना है हमें, देखो, सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। सब्सटेंस को किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। देन मॉलिक्यूल्स किससे, यस, देन एलिमेंट और कंपाउंड देखा हमने। सो एलिमेंट वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, दो और दो से ज्यादा। यस, यहाँ पे ऑक्सीजन बताया है, देखो ब्लू ब्लू कलर का है। यहाँ पे क्या है, वॉटर, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, सो H2O, इट इज अ कंपाउंड। नाउ अरेंजमेंट कैसे होती है देखो, गैसेस की, मतलब जैसे कि सपोज ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, है ना, उसकी कैसे होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। देन लिक्विड, ये क्या होते हैं, थोड़े से ही दूर होते हैं, इनमें जो गैप होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एकदम थोड़ा सा होता है, एकदम थोड़ा सा गैप होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, मतलब वाटर, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसका मतलब हमारा जो भी सब्सटेंस है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है। देन टाइटली पैक्ड मतलब क्या, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स वो इतना पैक्ड होता है कि ये मूव भी नहीं कर सकते। ये कौन सा होता है फिर, सॉलिड, जैसे कि आयरन, है ना। सो दिस इज अबाउट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। ये सारे पॉइंट्स आपको ये चैप्टर में याद रखने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है। वो कौन से पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, गैसेस, कंपाउंड। सॉलिड और गैसेस ये क्या है, स्टेट्स है, सो इट इज, आंसर इज मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट इज, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो कैसे होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर और लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं, बहुत, यस, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो आंसर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर, जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कैसे होते, हमें मालूम है गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते, सो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या वेरी फार आएगा, वेरी फार, इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उनको जहां पर स्पेस मिलती वहां स्प्रेड होते, सो आंसर इज वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ फिजिकल चेंज इज, फिजिकल चेंज कैसा है, परमानेंट चेंज होता है, नो, वन टाइम चेंज होता है, यस, इरिवर्सिबल है, टेम्प्ररी है, क्या करोगे, कैसे क्या करोगे इसका ऑप्शन टिक स्टूडेंट्स, देखो वन बाय वन देखते हैं हम। देखो फिजिकल चेंज जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्प्ररी होता है, वो रिवर्सिबल भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। वन टाइम चेंज मतलब एक ही टाइम होता है, जैसे कि सपोज आप शुगर, सॉरी, आइस को मेल्ट कर रहे हो, एक बार मेल्ट कर लिया तो दूसरी टाइम अगर वापस उसका आइस बन के वापस मेल्ट नहीं कर सकते उसको, ऑब्वियसली कर सकते हो, तो वो वन टाइम चेंज नहीं होगा, वो होगा टेम्पररी चेंज। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है टेम्पररी चेंज। नाउ 5th इज, इफ शुगर इज हीटेड कंटिन्यूसली, अगर आप शुगर कंटिन्यूसली हीट करते हो तो क्या होता है, अ ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन इज फॉर्म, सो आंसर इज अ ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन इज फॉर्म। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। अब देखते हैं कैसे, कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। मैटर कैन बी सॉलिड और लिक्विड ओनली, मैटर सिर्फ हमें दो स्टेट में मिलता है, सॉलिड और लिक्विड में, नो, मैटर हमें 3 स्टेट में मिलता है, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू क्रॉस इट हियर। द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज, जो क्लोरीन का सिंबल है वो क्या है, CH है, जो क्लोरीन का सिंबल है वो CH नहीं, वो क्या है, CLA, हमने अभी देखा, हमने लेक्चर में देखा, सो दिस इज रॉन्ग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वीक, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स में वो वीक होता है या टाइट होता है, यस इट इज वीक, सो दिस इज राइट। देन नेक्स्ट, केमिकल चेंज फ्रॉम एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंस, यस, जो केमिकल चेंज होता है उसके बाद कम से कम एक तो भी सब्सटेंस हमें न्यू मिलता है, दिस इज ऑल्सो राइट, सो यू हैव टू टिक इन दिस वे।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग. हियर इज ए कॉलम, हियर इज बी कॉलम. ओके, सो वी हैव टू मैच इट. गैस क्या है? पहले गैस दिया है, कार्बन, अमोनिया मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड. ए पहले कॉलम पढ़ लिया, बी कॉलम पढ़ते हैं. ए क्या है? सी, वाटर वेपर, आइस, वाटर. ई क्या है? वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो हियर गैस. अब गैस क्या है? वाटर वेपर है यहाँ पे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, मतलब बी का वन आ जाएगा. देन कार्बन, कार्बन का सिंबॉलिक नेम दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना, तो इसका सेकंड आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा बनता है स्टूडेंट्स? मैंने बताया NH3, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो थ्री का ये है, इसका आंसर है थ्री. देन सॉलिड, सॉलिड क्या है? आइस, लिक्विड, वाटर. सो ये फाइव. तो इन दिस वे यू हैव टू, लेकिन आपको आपके नोटबुक में लिखते वक्त कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? मैच द फॉलोइंग, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर में ए कॉलम लिखना है और उसके सामने बी कॉलम में ये सारे करेक्ट ऑप्शंस आपको राइट डाउन करने हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज का पार्ट है ये आपको वीडियो को ऑब्जर्व करके, ओके, वीडियो को ऑब्जर्व करके आपके टेक्सटबुक में टिक करना है इसे, और फिर आपके साइंस के क्लासवर्क नोटबुक में इसे क्या करना है? नोट डाउन करना है. ओके, तो एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपको पूरा कंप्लीट करना है. मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.